दूर रहो, उससे दूर रहो, पास में मत जाओ, काटे मार देता हूँ। हाँ बहुत खतरनाक। भाग जाओ जरूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आया हूं दोस्तों मरल का शिकार करने, स्नैक हेड का शिकार करने। तो अभी हम स्पॉट पे आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, स्पॉट अपना यहीं सामने है दोस्तों। क्योंकि ठंड का मौसम है तो ठंड में सुबह ही आना पड़ता है या तो फिर शाम में 3 बजे के बाद, लगभग 4 बजे के बाद शिकार बेहतरीन हो जाएगा। और सुबह का वक्त आप 6 बजे से पहले, बस सवेरा हो जाए तो आप शिकार करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी मैं तुरंत चलता हूँ, शिकार करता हूँ दोस्तों। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखते रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और हमसे जुड़े रहें। इंशाल्लाह मरल का भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहें, वीडियो देखते रहें हर वीडियो, और हमसे जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप सपोर्ट करें, आपको काफ़ी जानकारी देंगे हम। तो चलते हैं, शिकार करते हैं अभी। चलो, वीडियो भी नहीं हुआ लगता, वीडियो बंद था यार, शिट। चलो कोई बात नहीं, कैमरे में नहीं बन सका क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ किलो भर का है, गल रखा हुआ। दोस्तों ये लगभग 1 किलो के लगभग का है साइज में। ये पहला शिकार है आज का, थोड़ा वीडियो बनाने में मिस्टेक हुआ दोस्तों, सही से वीडियो बन ना सका। तो इंशाल्लाह देखता हूँ और शिकार अपने को लगता है, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद अपने को लगा, इसीलिए मैं वीडियो बंद रखा था। अभी मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। जब गर्मी का मौसम आ जाएगा फरवरी के बाद, आपको बहुत सारा शिकार होगा मरल का, कहीं भी आप खेलेंगे। तो फिर मैं शिकार करता हूं दोस्तों, एक लगा है और देखता हूं क्या अपने को लगता है कि नहीं। और अरे 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 यार शिट, क्या हो गया यार। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे भाग गया, साइड पे आया था क्योंकि उसको अटका के रखा था यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो आप खुद भी समझ सकते हैं वीडियो बनाने के लिए क्या क्या कुर्बानी देना पड़ता है। ये लगभग 1.5-2 किलो का नग था, बड़ा वाला था, छूट गया क्योंकि यहाँ पर रोक के रखा था साइड में वीडियो बनाने के लिए। मैं लंबा दूर से दौड़ के आया तो छूट गया यहाँ पे दोस्तों। तो देखते हैं फिर खेलते हैं, और लगता है तो समझ लो आने वाला मछली छूट गया, किस्मत में नहीं था शायद, किस्मत में ट्राई करते हैं। किस्मत में किस्मत बदल डाला हमने, किस्मत में था वो, आओ आगे चले गए। ठीक है, कोई हरकत नहीं, देखते हैं इंशाल्लाह, ट्राई करते इंशाल्लाह।
इतना घास फंसा दिया। तो दोस्तों पहला राउंड सुबह मैंने खेला और दूसरा राउंड खेलने जा रहा हूं। अभी शाम के 4 बज चुके हैं दोस्तों, तो शाम में ही शिकार होता है और सुबह में शिकार होता है दोस्तों। तो देखता हूं अभी यहां पे दूसरा स्पॉट में आया हूं और मेंढकी भी मैंने चेंज किया हुआ है, ये लुकाना का मुल्लर फ्रॉग है, तो इससे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अपना। और दोस्तों सबसे ज़रूरी ये है दोस्तों, अगर आप मेंढकी से शिकार कर रहे हैं मरल का, तो आप इस तरह का रिंग लगा लें, कभी भी रिंग और सीविल लगा ले। इससे क्या होगा, आपका धागा भी नहीं घूमेगा दोस्तों। कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा कचड़ा रहता है वहाँ तो धागा घूम जाता है मेंढकी के साथ, तो वो धीरे धीरे धागा कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों रिंग और सीविल लगाने का दूसरा फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि डायरेक्ट धागा बांधने से नुकसान क्या होता है, यहाँ पर जो गैप रहता है थोड़ा सा, ये जहाँ पर डायरेक्ट धागा बांधा जाता है वहाँ पर गैप रहता है, तो गैप में क्या होता है कभी कभी धागा निकल भी जाता है, मछली जब लग जाता है तो वो छटपटाती है थोड़ा, तो इसके कारण धागा कभी कभी निकल भी जाता है, तो मरल के मुंह में गया वो मेंढकी और मरल भी गया। तो ये भी संभालने के लिए मेंढकी भी बचाना है और अपने को शिकार भी लगने को होना, इसके लिए आप सिविल और रिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें, कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना है। तो ये थी जानकारी कुछ बारीकी की दोस्तों। तो देखते हैं अभी दूसरा राउंड खेल के। वाह वाह एक नंबर साइज, एक जगह चिपक के खेलना पड़ रहा है। मिंची का ख्याल कर दिया है, शानदार साइज लगा दोस्तों अपने भाई को, जमील भाई को, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त साइज है। तो अभी शिकार करते हैं, एक दो मेंढकी फेंका था इन्होंने और शिकार लग गया, मैं तो मेंढकी फेंका भी नहीं था, सेटअप तैयार कर रहा था अपना, तो देखता हूँ इंशाल्लाह खेल के देखता हूँ यहाँ पे कैसा रिजल्ट आता है। ये बहुत खतरनाक जानवर है, रुको 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 रुको, अरे बाप रे ये बहुत है, एक और है, अरे बाप बहुत है वो भाई, बहुत है वो भैया, अरे बाप कितने हो, 8-10 दिख रहा है मेरे को। आओ ना, आओ यार, दूर रहो इससे, दूर रहो, पास में मत जाओ, काटे मार देता हूँ, हाँ बहुत खतरनाक ये, जाओ मत उधर, हमला करता हूँ, भाग दे उधर। दोस्तों आपने देखा काफ़ी खतरनाक जानवर देखने के लिए मिला, मैं भी पहली बार देख रहा हूं दोस्तों, मगर ये जानवर से दूर रहना पड़ता दोस्तों, क्योंकि बहुत खतरनाक, इसके पीठ में कांटे रहता है बिल्कुल छतरी की तरह, और वो कांटे जब चुभ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है और इंसान की जान भी जा सकती है दोस्तों, काफ़ी खतरनाक जानवर है दोस्तों। तो ये सब अगर दिखे तो दूर रहने की कोशिश करें। तो अभी घर को मैं निकल रहा हूँ दोस्तों, जा रहा हूँ, दुआ करो सही सलामत पहुँच जाएँ, चलो।